Roy, did Roman Reigns' tone change when he found out that he had to face Kevin Owens, that he agreed to that match? Entertainment के लिए दुनिया में आज बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं दुनिया का सबसे बड़े लाइव एंटरटेनमेंट के बारे में बात करूंगा, जो बना तो है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन जब आप इस खेल को देखते हैं तो आपको लगता है दिस गेम इज द रियल। ये देखने में इतना सच लगता है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल है क्या, सच है या कोई बनावट। तो चलिए इस गेम के ऊपर एक नजर डालें। आपको क्या लगता है, दिस इज द एक्चुअल एक्शन या पर्दे के पीछे कुछ और है? सो लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। जैसे कि आप सब जानते हैं, दुनिया भर में WWE रेसलिंग के करोड़ों दीवाने हैं। भारत में इसके दीवान की तो सिर चढ़कर बोलती है। WWE के रिंग में होने वाले टेक्निक और स्टाइल रेसलिंग पसंदीदा लोगों को बहुत आकर्षित करती है। लेकिन क्या ये फाइट रियल होती है? क्या लड़ने वाले पहलवानों को सच में चोट लगती है? क्या खून सच में गिरता है? क्या WWE की फाइट की कहानी पहले से ही लिख दी जाती है? ये सारे सवाल हमेशा रेसलिंग देखने वाले को दिमाग में रहता है। तो आज हम बात करेंगे WWE से जुड़े इन सभी सवालों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं WWE के रियल में है क्या। एंटरटेनमेंट, फाइट, रोमांस, स्ट्रेटजिक और पैसों की जबरदस्त कॉम्बिनेशन वाले WWE के फाइट एक स्क्रिप्ट के आधार पर लड़ी जाती है। सही सुना आपने, किसी फिल्म की तरह ही WWE की रेसलिंग को भी एक स्क्रिप्ट के आधार पर की जाती है। इसमें 99% फाइट की कहानी पहले से तय हो जाती है और ये भी तय हो जाती है कि कौन सा रेसलर रेसलिंग में हारेगा और कौन जीतेगा। अब सवाल उठता है कि रेसलर्स स्क्रिप्ट के अनुसार कैसे खेल लेते हैं, क्या उनसे कोई गलती नहीं होती? जानकारी के लिए बता दो, रेसलर्स काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, साथ ही उनके पास गलती करने का कोई मौका नहीं होता। उन्हें फाइट की ट्रेनिंग मिली होती है, बाकायदा वो रेसलिंग स्कूल से इसके लिए ट्रेड होकर आते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें फाइट की चालाकियों के बारे में बताया जाता है, जिससे फाइट बिल्कुल रियल लगे और एक्साइटिंग बने रहे। दरअसल WWE ब्रांड एक स्पोर्ट एंटरटेनमेंट है, ना ही प्रो रेसलिंग। यही कारण है कि 1990 के दौर में कम टैक्स चुकाने पर विंस मैकमोहन ने सुप्रीम कोर्ट पर एक्सेप्ट किया था कि WWE इज नॉट रियल गेम, दिस इज जस्ट एंटरटेनमेंट ओनली। ये खेल पहले से स्क्रिप्टेड होता जरूर है, लेकिन कई बार पहलवानों को सच में चोट लग जाती है। साथ ही रेसलिंग के दौरान उनके बॉडी या चेहरे से निकालने वाले खून भी रियल होती है। हालांकि मुंह से खून निकालने के लिए वो ब्लड कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं, इसे वो मुंह में ही रखते हैं और फिर स्क्रिप्ट के अनुसार तय समय पर उनके मुंह से खून गिरने लगता है। इन सब बातों के बावजूद कई बार पहलवानों को गंभीर चोट भी लगती है। अब सबको तो पता ही होगा कि एक बार WWE के सुपरस्टार जॉन सिन्हा को गंभीर चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा था। रेसलिंग के दौरान पहलवानों को ट्रेनिंग के समय बताई गई चालाकी का इस्तेमाल करते हैं और सामने वाले पर इस तरीके से प्रहार करते हैं कि उसे गंभीर चोट ना लगे। इसके लिए वो लंबे समय तक प्रैक्टिस भी करते हैं। आपने देखा होगा कि रेसलर्स कभी चेहरे पर सीधा पंच नहीं मारते, उनके पंच की एंगल हमेशा थोड़ा टेढ़ा रहता है, इससे विरोधी रेसलर को गंभीर चोट से बच जाते हैं। इसके अलावा रेसलिंग की रिंग इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि ऊपर से गिरने पर रेसलर को ज़्यादा चोट भी नहीं लगती। इसके लिए रिंग के रबर वाले मेट के नीचे स्प्रिंग लगाई जाती है। ये कुछ वैसे ही होता है जैसे सोने वाले बेड या सोफे में लगाई जाती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये ज़्यादा टाइट होता है और रेसलर हमेशा खुद भी इस बात को ख्याल रखते हैं कि उनके किसी भी प्रकार की एक्शन से सामने वाले रेसलर को गंभीर चोट ना लगे। एक और सवाल हमेशा उठता है कि WWE में हारने वाले रेसलर को ज़्यादा पैसा मिलता है या जीतने वालों को? दरअसल WWE में फेस वैल्यू के आधार पर यह तय होता है कि किस स्टार को कितना पैसा मिलेगा। स्क्रिप्ट में जिस रेसलर को हारना तय किया होता है, अगर वो बड़ा फेस वैल्यू वाला स्टार हो तो उसे मिलने वाला रकम भी जीतने वाले स्टार से ज़्यादा होता है। वर्तमान में WWE रेसलिंग में ब्रॉक लेसनर सबसे बड़ा स्टार है, हालांकि समय समय पर रेसलिंग में नंबर वन वाला चेहरा बदलता रहता है। इससे पहले कई स्टार लंबे समय तक इस रेसलिंग में नंबर वन रैंक पर रहे हैं, जिसमें अंडरटेकर, जॉन सिन्हा, ट्रिपल एच समेत रेसलिंग की दुनिया की कई अन्य बड़े स्टार शामिल हैं। आपने देखा होगा कि रिंग में कई बार पहलवान हथौड़ा, कुर्सी, डंडा और लोहे के रॉड जैसे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। बताया जाता है कि ये असली होता है, लेकिन जितना मजबूत दिखते हैं उतना मजबूत नहीं होता। आपने देखा होगा कि रेसलर हमेशा रिंग के साइड में रखी कुर्सियों का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं
और स्क्रिप्ट के अनुसार ही उसे वहाँ रखा जाता है। इसके अलावा रिंग के नीचे हथौड़ा, कुर्सी, डंडा, टेबल आदि रखा जाता है और इसमें मारने वाले और मार खाने वाले दोनों को ही ट्रेनिंग दी जाती है। और इस खेल को और एंटरटेनमेंट बनाने के लिए कुछ ना कुछ नए नए कलाकारी करते रहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि WWE के खेल एक एंटरटेनमेंट है। सो यू वॉच इट लाइक ए मूवी, डोंट टेक इट सीरियस, बट ऑल रेसलर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड प्रोफेशनल। आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। Incredible this past Sunday. Falls count anywhere at Minute Maid Park. So that's all for today. And if you like this video, please like, share and subscribe. You can also follow me on Instagram, Facebook, Twitter and WhatsApp. Many thanks to all of you watching the full video. Thank you.